बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, MA2 की हम प्रैक्टिस करने लगे हैं, लेकिन कुछ बातें मेरी जहन में रखिएगा, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट इनकी केयर नहीं करते जो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होती है, नुकसानदेह होती है। वो बात एक तो आपने हमेशा मेरी ये जहन में रखनी है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली MCQs अटेम्प्ट कर रहे हो तो MCQs में मल्टीपल चॉइस होती है, जो नॉर्मली 4 चॉइसेस होती है, नॉर्मली कम भी हो सकती है ज्यादा भी, लेकिन नॉर्मली आपके लेवल पे 4 चॉइसेस होती है। उनमें डेफिनेटली एक चॉइस जो है वो आंसर आपका होता है, 3 चॉइसेस जो है वो आपका आंसर नहीं होता, कि आपने उसमें से सिलेक्शन करनी होती है। तो ये बात मेरी जहन में रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे आप इस बात पे नजर ना रखिएगा कि कौन सा आंसर ठीक है। ये गलत अप्रोच होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लर्निंग करना चाहते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। आप देखें कौन सा आंसर अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, क्यों पे नजर होगी, और जो बाकी ऑप्शन गलत है तो वो ऑप्शन क्यों गलत है। अगर आप ये क्यों अपने जहन में पालेंगे ना कि ये क्यों ठीक है, बाकी चॉइसेस क्यों गलत है, तो फिर आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होगी। अगर आप सिर्फ इस बात पे देखते रहे कि कौन सा आंसर ठीक है, तो बेटा इस सूरत में आपका नॉलेज लेवल कभी इंप्रूव नहीं होता। अभी के लिए ये कि हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस को, BPP की किट है, उसका टॉपिक 1 है, 1 नंबर कंटेंट में से एसेट लायबिलिटी एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड होगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ पे ये होता है कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के साथ रिक्वायरमेंट्स दी है, ये जो बोल्ड होती है ये रिक्वायरमेंट होती है। याद रखिएगा मेरी बात, आपने रिक्वायरमेंट को पहले रीड करना है, डेटा को बाद में रीड करना है। जो लोग स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और फिर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आप रिक्वायरमेंट पहले पढ़ें, फिर जब आप डाटा पढ़ेंगे तो आपके जहन में एक फोकस होगा कि आपको उस डाटा में कौन सी चीज रिक्वायर्ड है। जिस तरह ये कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनडी ओपनिंग नेट एसेट, ओपनिंग एट स्टार्टिंग नेट एसेट क्या है। अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छी तरह जानते हैं, आप कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इधर ऐड होता है, इधर इक्वेशन की साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को नेट एसेट कहते हैं, ये इज इक्वल टू होता है कैपिटल। इसका मतलब अगर 2000 के आपके नेट एसेट है तो कैपिटल भी आपका 2000 का है। तो एग्जामिनर जब भी आपसे नेट एसेट पूछे ना, जिस तरह इस क्वेश्चन में उसने पूछा है ओपनिंग नेट एसेट, तो इसका मतलब वो ओपनिंग नेट एसेट नहीं बल्कि ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है, क्योंकि नेट एसेट की उतनी ही अमाउंट आएगी जितनी कैपिटल की आएगी। तो ओपनिंग नेट एसेट मीन्स ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल कितना है, सिंपल सी बात, कैपिटल आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि कैपिटल क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बाई आनर, एंडी स्टार्टेड अ बिजनेस इंट्रोड्यूस कैपिटल 10,000, 10,000 का उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया। ही आल्सो ऑब्टेन्ड अ लोन 6,000, 6,000 का तो लोन लिया, लोन तो लायबिलिटी होती है, वो तो कैपिटल नहीं होता। टू परचेज नॉन करंट एसेट, तो उसका कैपिटल है कितना 10,000 का, तो ये 10,000 वाला आपका आंसर, ना 4,000 ना 6,000 ना 16,000, 10,000 आपका आंसर क्यों है, के कैपिटल आपका 10,000 है, तो इसका मतलब नेट एसेट भी आपके 10,000 है। अगर आप पूरी इक्वेशन बना के चले तो फिर भी यही होगा ना। देखिए मैं दूसरे तरीके से कर देता हूं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आनंद ने 10,000 इंट्रोड्यूस कराया था, एसेट इंक्रीज हुए 10,000 के, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 10,000 का, ऐसे था। 6,000 आपने लोन ऑब्टेन किया,
तो 10,000 में 6,000 का इजाफा हो गया, तो कैश आपके पास हो गया 16,000 का, क्योंकि आपने लोन अपटेन किया 6,000 का, तो लाइबिलिटी आपकी होगी 6,000 की, कैपिटल आपका एज इट इज 10,000 का। अब एसेट माइनस लाइबिलिटी करें तो ये नेट एसेट है, ये 10,000 आता है, तो ये 10,000 उतना ही है जितना आपका क्या है कैपिटल। इसलिए जब एग्जामिनर नेट एसेट की बात करे तो समझो ये कैपिटल की बात कर रहा है। फिर ए ट्रेडर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मे बी कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मीन्स कैलकुलेटेड बाई यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इसमें दिए ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग कैपिटल, इंट्रोड्यूस क्लोजिंग कैपिटल। आपको पता है ये बिजनेस इक्वेशन होती है, इसे कौन सी कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, और कैपिटल वाली जो इक्वेशन होती है ना कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल यानी इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, जो ड्यूरिंग ईयर लेस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल क्लोजिंग कैपिटल। अब एग्जामिनर ने ये डेटा दिया ओपनिंग एडिशनल और ड्राइंग, और आपसे पूछा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। ये प्रॉफिट आपका बन गया एक्स फिगर, कौन सा फिगर बन गया प्रॉफिट एक्स फिगर, यानी ये अगर आपने तलाश करना है तो इधर क्लोजिंग कैपिटल है। अब प्रॉफिट तो आपने मालूम करना है, ड्राइंग इस साइड पे लेस होती है, अगर इक्वेशन की इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, कि ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल में प्लस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल इस साइड पे प्लस होता है, इस साइड पे क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल इस साइड पे प्लस होता है क्योंकि कोई साइन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल प्लस है तो इस साइड पे लेंगे तो ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। अब देखेंगे हम जहां पे लिखा ना क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, वो प्रॉफिट की इक्वेशन है, कि प्रॉफिट आपका एक्स फिगर, जो इधर माइनस वो साइड पे प्लस, जो इधर प्लस वो साइड पे माइनस। तो देखें क्लोजिंग कैपिटल ये स्टार्ट है ओपनिंग कैपिटल से, ये तो लेंगे नहीं, ये क्लोजिंग कैपिटल ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ये भी नहीं लेंगे, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ने प्लस ही होना था ठीक है, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल माइनस होना ये भी ठीक है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल लेस, तो यही आपकी चॉइस बनती है। क्योंकि अगर इसको देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग, जबकि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ने प्लस होना माइनस नहीं होना, कि यानी ये रिवर्स होता है कि क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट किया जाता है इक्वेशन की हालत चेंज करके। फिर ये शायर आपसे कहता है ऑन 23 मई 2007 जूली यूज कैश टू पे द रेंट ऑन हर बिजनेस प्रिंसेस फॉर द 3 मंथ टू 31 अगस्त। टू फ्रॉम नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू 31 अगस्त यानी 3 मंथ का रेंट दिया टू 31 अगस्त, इसका मतलब 31 अगस्त तक का। अगर यहां पे होता ना कि फ्रॉम 31 अगस्त, तो इसका मतलब 31 अगस्त से स्टार्ट होके अगस्त के बाद का सितंबर अक्टूबर नवंबर का, अभी अगस्त तक का, अगस्त का दिया इसका मतलब अगस्त से पहले उसने क्या आता है जुलाई आता है, जुलाई से पहले क्या आता है जून आता है, उसने अगस्त तक का 3 मंथ का रेंट दिया जून जुलाई अगस्त, और 23 मई को, इसका मतलब जून से पहले 23 मई जून से पहले आएगी, तो इसका मतलब रेंट जो है उसने एडवांस लिया है, और रेंट होता भी एडवांस है,
इसे प्री पेड कहते हैं, पहले से दा। तो प्री पेमेंट जो होती है ना, उसने कहा ऑन 23 मई हो इट्स जूली अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्टेड, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या अफेक्ट होगा, ये प्री पेमेंट है, ये एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि पीरियड तो अभी 23 जुलाई पे स्टार्ट ही नहीं हुआ, एडवांस दिया तो इससे क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन पे फर्क क्या पड़ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, प्री पेड करेंगे तो प्री पेमेंट वाला एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैश क्योंकि आपने दिया वो डिक्रीज, ओवरऑल इसको देखेंगे तो ये अनचेंज रहेगा, इस पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक एसेट इंक्रीज हुआ उतनी अमाउंट से दूसरा एसेट डिक्रीज, इसमें चेंज नहीं आया कि प्री पेमेंट एसेट इंक्रीज हुआ कैश डिक्रीज, कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल और लायबिलिटी का तो इसका तल्लक ही नहीं, तो लिहाजा वो तो वैसे ही अनचेंज है, अनचेंज, क्योंकि ये एक्सपेंस होता ना, अगर प्रीवियस पीरियड का रेंट होता तो फिर कैपिटल एक्सपेंस ने कैपिटल से लेस हो जाना, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये प्री पेड है। तो तीनों चीजें अनचेंज रही कि आपके एसेट भी अनचेंज, लायबिलिटी भी अनचेंज, कैपिटल भी अनचेंज। जैसे इसने कहा ना बी में ये अनचेंज रहा, ये रिड्यूस हुआ, तो नहीं बेटा कैपिटल लायबिलिटी का तो तल्लक ही नहीं, कौन सा हमने किसी के पैसे देने से दिए हैं। जैसे इसने कहा एसेट रिड्यूस हुआ, नहीं बेटा प्री पेड कैश दिया, एक एसेट इंक्रीज हुआ एक एसेट डिक्रीज, ओवरऑल एसेट अनचेंज रहे, रिड्यूस हुआ अनचेंज और ये भी रिड्यूस, तो रिड्यूस नहीं बेटा ये, हाँ एक्सपेंसेस होते ना अगर के रेंट एडवांस ना दिया होता बल्कि पीरियड के एंड पे दिया होता, एडवांस की बजाय पीरियड मंथ के एंड पे दिया होता तो फिर ये था कि कैपिटल कम हो जाना था एक्सपेंसेस की वजह से और एसेट कम हो जाने थे, अभी तो वो एडवांस है। फिर इफ नेट एसेट एट ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 95,000 के, व्हाट वाज द प्रोप्राइटर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नेट एसेट का मतलब मैंने कहा था कैपिटल, बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए ना तो ये मेरी बात याद रखना, ये बहुत आपको हेल्प करेगी। आप इसका टी अकाउंट, क्योंकि मैंने लेजर बनाने आपको सिखा दी है, कैपिटल का टी अकाउंट बनाएं, कैपिटल आपका हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी क्रेडिट, एडिशनल कैपिटल लगाओगे तो वो भी कैपिटल में ऐड होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन ड्राइंग होगी तो वो कैपिटल को कम करेंगी कैपिटल की डेबिट साइड पे, लॉस होगा तो वो भी डेबिट साइड पे, क्लोजिंग कैपिटल होता ही किस साइड पे है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस होता, क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाओ तो निकलता डेबिट साइड पे होता है, ओपनिंग बैलेंस सेम साइड पे होता है और क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पे रिकॉर्डिंग होती है। आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए ना, न्यूमेरिकल तो जो डाटा गिवन हो वो पुट कर देते हैं, मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो मिसिंग फिगर है, ये अभी आपका तजर्बा मैं कराता हूं। देखिए कैपिटल का अकाउंट बनाया, प्रॉफिट मेड बाय बिजनेस 35,400, उसने कैपिटल में ऐड होना तो इसने क्रेडिट हो गया, प्रोप्राइटर इंजेक्टेड न्यू कैपिटल, उसने नया कैपिटल लगाया तो ये भी ऐड हो गया ओपनिंग कैपिटल में, ड्यूरिंग एंड विड्रॉ मंथली सैलरी 500, तो वो मंथली अपने लिए सैलरी लेता रहा 500 की मंथली, साल में कितने मंथ होते हैं 12, ठीक, तो इसका मतलब उसने अपने बिजनेस से कितने पैसे विड्रॉ किए इन सैलरी शेप ड्राइंग 6,000, क्लोजिंग कैपिटल है 95,100 का। अब इस टी अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर है
वो जो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस निकलेगा वो होगा जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जामिनर ने ओपनिंग कैपिटल मांगा है, तो इसका मतलब जो भी इसका बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेटर मुझे लेने दें, जैसे अब ये 35,400 है प्लस 10,200 है माइनस 95,100 है और -6,000 है, तो ट्रिपल 5,500 का ओपनिंग बैलेंस निकल रहा है। रिवर्स कैलकुलेशन इसे कहते हैं, कि जो मिसिंग फिगर होगा, जो भी बैलेंस निकलेगा, जो एग्जामिनर रिक्वायरमेंट है समझो, वो बैलेंस एग्जामिनर रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट करता। आगे फिर पता चल जाएगा, ये प्रैक्टिस की बात है। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय बिजनेस, ये भी उसी का है कि वो बिजनेस हैड नेट एसेट एट 1 जनवरी एट 31 दिसंबर, जनवरी पे और दिसंबर पे ओपनिंग 75,600 के थे, दिसंबर पे 73,800 के अपोजिट साइड पे। ओपनिंग नेट एसेट कैपिटल अपनी साइड पे, क्लोजिंग अपोजिट साइड पे। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 17,700, विड्रा कैश एंड गुड्स टू वैल्यू 16,300, 16,300 की उसकी ड्राइंग है। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर इस साइड पे निकला तो प्रॉफिट, अगर इस साइड पे निकला तो लॉस, तो ये डेफिनेटली इस साइड पे निकलेगा। अभी देखते हैं, 75,600 प्लस 17,700 ये 93,300 है, और ये देखते हैं कितना है, 73,800 प्लस 16,300 ये 90,100, ये फिगर कम है इस साइड पे, तो 93,300 से इस फिगर को लेस किया तो 3,200 का इस साइड पे बैलेंस। अगर इस साइड पे है तो लॉस, लॉस ने क्योंकि ओपनिंग नेट एसेट से या ओपनिंग कैपिटल से लेस होना है। अगर इस साइड पे होता तो प्रॉफिट 3,200 का लॉस। विच ऑफ फॉलोइंग इज बैंक ओवरड्राफ्ट एन एग्जाम्पल ऑफ, बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जाम्पल है एसेट की। बेटा ओवरड्राफ्ट तो ये होता है कि आपके बैंक में पैसे कम है, डिपॉजिट कम, आपने पेमेंट ज्यादा की, आपकी ये लायबिलिटी है, आपने बैंक को वापस करना है, एसेट नहीं है, ये क्या है, लायबिलिटी। बैंक ओडी, ये लायबिलिटी होता है, ना इनकम होती है ना एक्सपेंस। हाँ बैंक में डिपॉजिट हो तो वो आपका एसेट होता है। फिर देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन ISB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ना भी लफ्ज पढ़े, इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ एसेट, एसेट की डेफिनेशन में क्या चीज होती है। मैंने आपसे कहा था रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाई एंटिटी ड्यू टू पास्ट इवेंट, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाई एंटिटी, ओन्ड होना जरूरी नहीं, जो ओन्ड है वो तो कंट्रोल होते ही होते हैं, लेकिन कई एसेट आपके मलकियत ओन्ड नहीं होते लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में होते हैं। असल डेफिनेशन ऑफ एसेट कंट्रोल बाय एंटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। हाँ पास्ट में जैसे आपने परचेज किया है, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी ड्यू टू पास्ट इवेंट, ये एसेट की डेफिनेशन है। देयर इज एक्सपेक्टेड टू बी एन आउटफ्लो अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नहीं बेटा आउटफ्लो नहीं, एसेट के बदले इनफ्लो होता है, एसेट को जब यूटिलाइज करते हैं तो इनफ्लो होता है, आउटफ्लो नहीं होता। तो वन एंड टू, जहां पे भी वन एंड टू होगी तो वो एसेट की डेफिनेशन है। ए बिजनेस बोरोड 1700 फ्रॉम इट्स बैंक, बारो का मतलब लोन लिया है, यूज टू कैश टू बाय न्यू कंप्यूटर, लोन लेके कंप्यूटर खरीदा है
तो इसका लोन से कंप्यूटर खरीदा, लोन लायबिलिटी कंप्यूटर एसेट है. हो वाज द अकाउंटिंग क्वेश्चन अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन. बेटा एसेट इंक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज, क्योंकि लोन लेके खरीदा है तो एक साइड पे लायबिलिटी इंक्रीज हुई, एक साइड पे एसेट इंक्रीज हुआ. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, जिसमें एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल, इक्विटी भी कहते हैं, कैपिटल लिखा जाता है एट पर्टिकुलर डेट यानी ईयर एंड पे. टू रिपोर्ट द एसेट लायबिलिटी कैपिटल ऑफ बिजनेस एट पर्टिकुलर डेट. ये बात ठीक है, एक मखसूस डेट पे एसेट लायबिलिटी इसे कहते हैं. तो बिजनेस की पोजीशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बिजनेस की हालत क्या है. टू प्रोवाइड ए वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, नहीं इससे बिजनेस की बेटा वर्थ का पता नहीं चलता होता बैलेंस शीट से, इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं ना, क्योंकि बिजनेस की वर्थ तो मार्केट के हिसाब से होती है. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक्टिविटी के मुतल्लिक जो चीज होती है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं. बिजनेस ने जितने एक्शन किए वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं. टू रिपोर्ट द ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल, कैपिटल में कितनी इंक्रीज हुई सिंस द बिजनेस वाज एस्टेब्लिश. नहीं बेटा, बिजनेस जब से एस्टेब्लिश हुआ अभी तक कैपिटल कितना बड़ा, तो ये हमें बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन से पता नहीं चलता. Which of following correctly calculate the difference between closing and opening capital? Closing और opening capital का difference क्या होगा? ज़ारा तीन ही चीजें हैं. कौन सी? Profit, capital introduce and drawing. Profit ने add होना होता है opening में, capital introduce ने add होना होता है, तो दोनों plus. ड्राइंग ने लेस, तो ये जो अमाउंट आएगी इतना ही ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस होगा. कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी वो बेटा यही है ना, देखें कॉन्सेप्ट से मैं समझाता होता हूं. ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपको पता है ऐड होता है, ड्राइंग लेस होती है, प्रॉफिट एड होता है, तो फिर निकलता है ना क्लोजिंग कैपिटल. तो बेटा उसने कहा कि ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस कितना है, वो उतना ही है जितना एडिशनल एड प्रॉफिट एड या ड्राइंग लेस हुई. इसी अमाउंट से ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होगा, करके देख लें. फिर कहते हैं व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट दी है तो कैपिटल का एट द स्टार्ट ऑफ ईयर बैलेंस ऑन कैपिटल 85872 ड्यूरिंग द ईयर डेविड मेड ड्राइंग 19,500 एंड नेट लॉस 17. लॉस इस साइड पे आता है बेटा. ही इंट्रोड्यूस कैपिटल 5300. अब उसने कहा क्लोजिंग बैलेंस, तो जो भी इसका बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग ही होगा. कि एक अमाउंट 85872 है प्लस 5300 है माइनस 19,500 है माइनस 1700 है, तो 69972 आपका बैलेंस आ गया. फिर व्हाट इज द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. मैंने कहा कि ये कैलकुलेशन बेस है. नेट एसेट अब बिजनेस 1 जनवरी को 16100, नेट एसेट का मतलब ओपनिंग बैलेंस 16100 और 27600 एट 31 दिसंबर एंडिंग 27600. ओपनिंग भी आ गए एंडिंग भी आ गए. ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल पेड पर्सनल फंड 2950 इंटू बिजनेस 2950 उसने जाती लगाए बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल एंड विड्रा 1450.
अब जो भी बेटा इसका बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारे लिए प्रॉफिट है 27600 प्लस 1450 माइनस 16100 माइनस 2950, तो 10,000 का डिफरेंस आता है, वो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। फिर कहता है विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन। ड्राइंग होगी तो एक तरह से कैपिटल से लेस होगी और दूसरी तरह से एसेट, जैसे कैश विड्रॉ कराया कैश कम हो गया, ऊपर से कैपिटल कम हो गया। एसेट डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, हाँ जी। तो ड्राइंग से क्या होगा कि आपने पैसे विड्रॉ कैश विड्रॉ कराया, एसेट भी डिक्रीज हो गया, ड्राइंग ने कैपिटल से लेस हो जाना। प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग ईयर, फिर वही वाली बात, सोल ट्रेडेड ओपनिंग कैपिटल 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 40, ड्यूरिंग द पीरियड ऑनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 4,000, विड्रा 8,000, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, इधर 14 है इधर 12,500, तो इस तरफ बैलेंस आया 15, इस साइड पे होगा तो लॉस 1500 लॉस, अगर इधर निकल आता तो प्रॉफिट। इफ नेट एसेट एट स्टार्ट इतने हैं, व्हाट इज द कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर इतने हैं, तो ओपनिंग कैपिटल वही एंड पे 95,100 का कैपिटल है, प्रॉफिट मेड सोल ट्रेडर 35,400, ऑनर इंजेक्टेड न्यू कैपिटल 10,200, विड्रा मंथली सैलरी 500, तो साल में 12 मंथ होते हैं तो टोटल 12 मंथ की कितनी होगी 6,000, तो ओपनिंग कैपिटल जो भी बैलेंसिंग फिगर आए। मेरा ख्याल ये सवाल पहले भी है तो रिपीट हुआ है। हाँ जी रिपीट है जी, पहले भी ये आया है, डबल टाइम प्रिंट हुआ है। तो ये देखे, ये ना देखें कि क्वेश्चन के आंसर क्या है, ये देखे मैंने कराया कैसे, जो तरीका मैंने अलॉट किया बेटा उसको फॉलो करें, फिर आप परफेक्ट होते जाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।